دل میں ذوقِ وصلو یادِ یار تک باقی نہیں، دل میں ذوقِ وصلو یادِ یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ ہرچند قاعدہ عام یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم اروا میں سزا پاتے ہیں، لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم اروا کے گناہگار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ میں 8 رجب سن 1212 ہجری یعنی 28 دسمبر 1797 عیسوی میں روپکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا، 13 برس حوالات میں رہا۔ 9 اگست سن 1810 کو میرے واسطے حکم دواں میں حبس صادر ہوا، دلی شہر کو زندہ مقرر کیا، ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی اور مجھے زندہ میں ڈال دیا، فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا۔ کچھ عرصے کے بعد میں جیل خانے میں سے بھاگا، 3 برس بلاد شرقیہ میں پھرتا رہا۔ جب غالب کے والدین ان کے بچپن میں گزر گئے تو ان کے چچا نصر اللہ بے خان نے ان کو پالا پوسا۔ کچھ سال بعد غالب کے چچا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں رسالدار تھے، اچانک ایک دن ہاتھی سے گر کر مر گئے۔ چچا کی موت کے بعد کمپنی سرکار نے غالب اور ان کے بھائی یوسف مرزا کی پینشن مقرر کر دی۔ یہ پینشن انہیں اپنے دور کے رشتہ دار احمد بخش خان کے معرفت ملنے لگی، پر احمد بخش خان نے پینشن کی آدھی سے زیادہ رقم اپنے ایک رشتہ دار خواجہ حاجی کے نام کرا دی۔ خواجہ حاجی کے انتقال کے بعد بھی جب غالب کی پوری پینشن انہیں نہیں ملی تو غالب احمد بخش خان سے ملنے گئے، جو کچھ روز پہلے ہی جنگ میں زخمی ہو گئے تھے۔ جو بھی ہو، اب تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، ورنہ مجھے اجازت دیں، میں حکومت کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں۔ برخوردار، تم میرے بچے ہو، میری آنکھوں کے نور ہو، میرے پاس آؤ۔ بھائی تم دیکھ رہے ہو میں زخمی ہوں، اب بتاؤ اس حالت میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ عزت ماں جنرل صاحب بہادر کو میں یہ بتا چکا ہوں کہ خواجہ حاجی نصر اللہ بیگ صاحب کے عزیز و اقارب میں شامل نہیں ہے، اور میری غلطی سے ان کا نام سرکاری ریکارڈ میں درج ہو گیا۔ میرے بچے، اب مجھے ذلیل و رسوا نہ کرو، تھوڑا صبر اور کر لو، چند روز اور ٹھہر جاؤ، میں تم دونوں بھائیوں کو 2000 روپے دیا کروں گا۔ بہتر تو یہ ہوگا کسی اور کو بیچ میں ڈالے بغیر میں خود سر چارلز میٹکاف سے ملوں، اپنا سارا احوال شروع سے آخر تک بلا کم و کاست ان کی خدمت میں پیش کروں۔ Thank you.
मैं भाई की अलालत और कर्ज खाहों के सख्त तकाजों की वजह से अजियतनाक परेशानी में मुब्तला था। दिल्ली पहुंचकर अपने नाना और वालिद के तमाम असासे जो मेरे पास बच रहे थे बेच डाले और कर्ज खाहों से कर्ज चुकाने के लिए राबता कायम किया। थोड़ा बहुत कर चुकाया भी। फिर अपने भाई की देखभाल और निगहदाश्त पर चार आदमी मुकर्रर किए और दिल्ली के नए गवर्नर सर चार्ल्स मेटकाफ से मिलने के गर्ज से कानपुर के लिए रवाना हो गया। जब मिस्टर पेरोन कमांडर थे तो आ जनाब की तरफ से सूबा आगरा का इंतजाम और इंसराम मेरे चचा नसरुल्ला बेग खां के पास था। अंग्रेजी फौज जब इलाके में पहुंची तो नसरुल्ला बेग खां ने उनकी अतात कबूल की। खुद को सरकार बरतानिया के साथ वाबस्ता करके जर्नैल लॉर्ड लैक साहब बहादुर की खिदमत में हाजिर हुए। इत्तफाक देखिए कि कानपुर पहुंचते ही मैं बीमार पड़ गया। अचानक नौबत यहां तक पहुंची कि हिलने जुलने की ताकत भी जाती रही। चूंकि मुझे उस शहर में कोई मुनासिब तबीब नहीं मिल सका इसलिए दरिया गंगा को उबूर करके किराए की एक फीनस में मुझे लखनऊ की राह लेनी पड़ी। मैं लखनऊ में 5 महीने और चंद रोज साहिबे फराश रहा। जनाब मोतमुद्दौला सैयद मोहम्मद खां बहादुर उर्फ आगा मीर को आपके लखनऊ शहर आने की खबर हुई है और वो आपसे मुलाकात करने की गुजारिश रखते हैं। मोतमुद्दौला का हुक्म सर आंखों पर नाचीज की एक गुजारिश है कि जब दरबार में हाजिरी हो तो मोतमुद्दौला खुद खड़े होकर इस्तकबाल करें, मुझसे मुआनका करें और गालिब को नजर पेश करने से माफ रखें। हुजूर, अगर आप एक अरदास लिख दें तो मैं उसे खुद ही मोतमुद्दौला तक पहुंचा दूंगा। गदा तबा सुल्तान सूरत मोतमुद्दौला को ये शरायत मंजूर नहीं थी इसलिए गालिब की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। उनकी खिदमत में हाजिर होने के लिए जो शर्त करार पाई वो मेरी खुददारी के खिलाफ और नंगे शेबे खाकसारी था। मानके के सिलसिले में मुलाकात के लिए उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें हुई कि जहनी मामले ने अमली सूरत इख्तियार नहीं की। चूंकि उन मामलात की वजह से जिनका मैंने जिक्र किया है मेरा दिल जख्मी था। नेस तवील सफर और दुश्वार मकसद दरपेश थे। लखनऊ आने का बायस नहीं खुलता यानी हवसे सैर व तमाशा सो वो कम है हम मख्ते सिलसिले शौक नहीं है ये शहर अज़्म सैरे नजफो तोहफे हरम है हमको लाई है मोतमुद्दौला बहादुर की उम्मीद जादे रह कशिशे काफे करम है हमको लिए जाती है कहीं एक तवक्को गालिब जादे रह कशिशे काफे करम है हमको। 26 ज़िलकाद बरोज जुमा इस सितमाबाद लखनऊ से निकलकर दारुस सुरूर कानपुर पहुंचा। 2-3 मुकामात से गुजरता हुआ आखिरकार बांदा पहुंच जाऊंगा अगर खुदा ने चाहा
और मौत ने अमान दी तो कुछ दिन आराम करके कलकत्ते के लिए रवाना हो जाऊंगा। आबरू क्या खाक उस गुलकी के गुलशन में नहीं है, गरेबा नंग पैराहन जो दामन में नहीं। जोफ से ऐ गिरिया कुछ बाकी मेरे तन में नहीं, रंग होकर उड़ गया जो खून के दामन में नहीं। हो फिशारे जोफ में क्या नातवानी की नमूद, बल्कत के झुकने की भी गुंजाइश मेरे तन में थी। वतन में शान क्या गालिब के हो गुर्बत में कदर, बेतकल्लुफ हूँ मुश्ते खिस के गुलखन में नहीं। चूंकि मेरे और नवाब जुल्फ़िकार अली बहादुर के आबो अजदाद में दोस्ताना मरासिम जमाने कदीम से चले आ रहे थे और मेरे दिल में नवाब साहब के लिए बड़ी मोहब्बत और लगाव था, इसलिए मैंने ऐसी तदबीरें शुरू की कि जिस तरह भी बन पड़े मैं बुंदेलखंड में बांदा पहुंच जाऊं। मैं वहां नवाब साहब के दौलत कदे पर 6 महीने मुकीम रहा। अल्लाह के फजल और नवाब साहब की तवज्जो और तीमारदारी की बदौलत मुझे उस खतरनाक बीमारी से शफा हासिल हुई। मैंने नवाब साहब से 2000 रुपए कर्ज मांगे और दिल में सोचा कि यह भी गनीमत है, ये रुपए लो और चलो यहां से। एक छकड़ा जिसे इस इलाके में लड़िया कहते हैं, सामान ले जाने के लिए किराए पर लिया। ये छकड़ा तो मुझसे भी ज़ईफ़ और कमजोर निकला, दिन भर में 12 कोस मोदा से चिल्ला तारा तक न पहुंच सका। मजबूरन रास्ते में एक गांव में रात गुजारनी पड़ी। मंगल की आखिरी शब रवाना हुआ और दोपहर को चिल्ला तारा पहुंचा और छकड़ा रात का एक पहर गुजरने ही पर मुझ तक पहुंचा। बांदे में आपके मुंसिफ ने फरमाया था कि नवाब साहब के नाम का खत चिल्ला तारा के थानेदार को दे दो। मैं कारवान सराय में बैठा लड़िए का इंतजार कर रहा था कि नागाह थानेदार खुद वहीं आ गया। जनाब मैं बांदे की ओर जा रहा हूं, आप अपना खत मुझे ही दे दें। छकड़े और आसमान दोनों के जुल्म व सितम से तंग आकर मैंने खुद को दरिया में डाल दिया। किश्तीबान कहते हैं कि 3 दिन में इलाहाबाद पहुंच जाएंगे। देखिए क्या होता है, आज 4 शंबे है, आधा दिन गुजर चुका है।
कश्ती में बैठा हुआ ना खुदा से नहीं खुदा से दिल लगाए हुए हूं। सातवें दिन मैं उस वीराने में पहुंचा, इलाहाबाद। दूसरे दिन एक बैलगाड़ी किराए पर मिल गई। सुबह के वक्त गंगा के साहिल पर पहुंच गया, हवा की तरह तेजी से गंगा पार कर ली। पाए शौक के साथ बनारस की तरफ सफर सरगर्म हो गया। जिस दिन बनारस पहुंचा, बादे जाफिजां और ठंडी ठंडी हवा मशरिक की तरफ से चल रही थी, जिससे मेरी जान को ताकत मिली और दिल में ताजगी पैदा हो गई। वज्र करती हुई नसीम के झोंकों ने मेरे ज़ौफ़ और कमजोरी को बिल्कुल दूर कर दिया। इस सनम कदे से जब जब नाकूस की निशात आफरी आवाज बुलंद होती है तो अजब सुरूर और कैफ का आलम होता है। बादे तमाशा से मेरा ज़ौक इस कदर मखमूर हो गया है कि दिल्ली की याद भी दिल से जाती रही। हरी में बोत परस्ता है ये खेता, ज़ियारत गाहे मस्ता है ये खेता, इबादत खाने नाकूस या है ये गोया काबे हिंदोस्तां है, तबसुम का लबे रंगी पे गाजा, दहन मानिंदे गुल शादाब ताजा, करम में मौजे गहर के रवानी, सितम में खून आशिक के जवानी, बढ़ आगे बन के सैले तुंद रफ्तार, ब्याबारा में आए के कोहसार, सबक ले कैस के दीवाने पन से, गुजर सहराओं से दश्तो दमन से, हरारत बाकी है जब तक लहू में कमी आए न जोके जो जो मैं। मैं गर्द राह की तरह गिरता पड़ता, कोहो बयाबा में हर कदम पर पत्थरों और कांटों की धार पर चलता हुआ, कभी रातों की सर्दी से अफसुर्दा परेशान और कभी गर्दिश अय्याम की सितमगरी से नाला। चौथी शाबान बमुताबिक 19 फरवरी 1828 को दिन का कुछ वक्त गुजरने पर कलकत्ते पहुंचा। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशीं, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय वो सब्ज़ाज़ार, हाय मुतहर कि है गजब वो नाजनी बुतान खुदारा
के हाय हाय। सब राजमा वो उनकी निगाहें के हफ नजर, ताकत रुबा वो उनका इशारा के हाय हाय। वो मेवा हाय ताजो शीरी के वाह वाह, वो बाद हाय ना वो गवारा के हाय हाय। अब 2 महीने से मैं यहाँ हूँ जहाँ इंसाफ की गद्दी है। मेरा इरादा है कि अगर हुकूमत ने मेरे साथ की गई नाइंसाफियों की तलाशी कर दी और मेरे दावों की सुनवाई की तो बामुराद और मुतमईन अपने घर चला जाऊंगा और आराम से जिंदगी बसर करूंगा और अपने गरीब भाई के मुआलजे की कोशिश करूंगा। घोड़ा फरोख करने के बाद मेरे पास 100 रुपये बाकी हैं। जाड़े आ रहे हैं, मैंने सोचा कि अगर कुछ भी ना खरीदूंगा तब भी एक गुदड़ी, एक तोशक और एक कंबल तो खरीदना ही होगा। इस रकम से ये सामान खरीद लूंगा और जो 200 आपने इरसाल फरमाए हैं उनसे रमजान की पहली तक का खर्च निकल आएगा। जब गालिब ने देखा कि कलकत्ते में मजीद कयाम से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा तो वो 21 अगस्त 1829 को कलकत्ते से रवाना होकर 18 नवंबर 1829 को दिल्ली पहुंच गए। पायान कार मुझे कलकत्ते से पकड़ लाए और फिर उसी महबस में बिठा दिया। जब देखा कि यह कैदी गुरेज पा है तो हथकड़ियां और बढ़ा दी। पांव बेड़ी से फिगार, हाथ हथकड़ियों से जख्मदार, मुशक्कत मुकर्ररी और मुश्किल हो गई। दिल मेरा सोजे नेहा से बेमहाबा जल गया, दिल मेरा सोजे नेहा से बेमहाबा जल गया, आतिशे खामोश की मानिंद गोया जल गया। दिल में जोके वसलो यादे यार तक बाकी नहीं, आग इस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया। मैं हूं और अफसुर्दगी की आरजू गालिब के दिल, मैं हूं और अफसुर्दगी की आरजू गालिब के दिल, देख कर तर्ज़े तपा के अहले दुनिया जल गया।